हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सत्तू के पराठे की रेसिपी, जो खाने में बहुत टेस्टी बनते हैं और आप इनको कभी भी टी टाइम या नाश्ते में भी बना के खा सकते हो। सत्तू मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, तो चलिए हम इनको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक कटोरी सत्तू लिए हैं, इनको मैंने छान लिया था। और आपको ये पाउडर मार्केट में नहीं मिलता है, तो आप रोस्टेड वाले चने लेकर आप उसी से सत्तू बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर। और यहाँ पे 1/4 टीस्पून मैं ऐड कर रही हूँ गरम मसाला। और मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ एक पिंच हींग और एक चम्मच मैं नमक ऐड कर रही हूँ अपने स्वाद के अनुसार। आप अपने अकॉर्डिंग नमक इसमें ऐड कर लीजिएगा। अभी हम इसमें ऐड करेंगे अचार का तेल, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और आपके पास अचार का तेल नहीं है तो आप इसमें सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हो, और थोड़ा सा आमचूर ऐड कर लीजिएगा, उसी से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च, जो मैंने कट करके रखी थी पहले से। और मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जो इसको बारीक कट कर लिया था। तो चलिए अभी हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। मेरा बचा हुआ ऑयल था वो भी मैं इसमें ऐड कर लूंगी, और एक कटोरी के लगभग इसमें ऑयल ऐड हो गया है। तो अभी हमें इसको मिक्स कर लेंगे। और आपको ऑयल इतना ऐड करना है इसमें जो बाइंड हो जाए अच्छे से सत्तू। देखिए हमारे सत्तू बनके रेडी हो गए हैं, और आपको मैं दिखाती हूँ कि कितना इसमें ऑयल ऐड करना है। और एकदम देखिए बाइंड हो रहा है अच्छे से, तो इसका मतलब परफेक्ट बनके रेडी हुआ है। तो चलिए अभी हम अपने आटा की तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 2 कटोरी आटा ले लिया है, और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून ऑयल और आधी छोटी चम्मच नमक ऐड कर दिया है। और अभी हम इसको मिक्स कर लेंगे, और पानी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, एकदम पानी हम नहीं डालेंगे, ताकि हमारा जो आटा है वो एकदम गीला ना हो जाए और हमें सॉफ्ट डो चाहिए। और देखिए हमारा आटा बनके रेडी हो गया है, और अभी हम इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे 2 मिनट के लिए। तो चलिए अभी हम इसको बनाना स्टार्ट कर देते हैं, पराठे अपने बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे लोई ले ली है एक बड़ी सी, तो इसको हम बेल लेंगे थोड़ा सा। और इसमें डालेंगे हम स्टफिंग, 2 चम्मच मैंने इसमें डाल ली है। अगर आप भर नहीं पा रहे हैं तो आप इसको एक साइड से पकड़ के आप एक एक करके प्लेट डाल लीजिएगा, तो आपका पराठा अच्छे से बंद हो जाएगा। और एक्स्ट्रा आटा है तो वो आप निकाल दीजिए। और अभी हम इसको हम बेल लेंगे, थोड़ा सा डस्ट कर लेते हैं सूखे आटे से। हल्के हाथों से हम इनको बेलेंगे पराठों को, और एकदम फोर्स से नहीं बेलेंगे, नहीं तो स्टफिंग बाहर निकल जाएगी। तो ज़्यादा ना मोटा ना ज़्यादा पतला चाहिए हमें। और देखिए इस तरह से चाहिए, तो परफेक्ट हमारा बनके पराठा तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हम दूसरा भी बना के रेडी कर लेते हैं। और आपको घर में रहकर बाहर जैसा खाना चाहिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैंने दूसरा भी पराठा बना के रेडी कर लिया है, तो चलिए इनको हम सेक लेते हैं। और गैस पर तवा रख दिया, मैंने आयरन का तवा लिया है, तो इस पर आयरन के तवे पे पराठा वगैरह बहुत अच्छे बनते हैं। तो ऑयल मैं लगा देती हूँ दोनों तरफ से,
और बहुत टेस्टी बनते हैं, आप ज़रूर बना के खाइए। अगर आपको पसंद आए हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो देखिए हमारा पराठा कितना बढ़िया फूल के तैयार हुआ है और अंदर से एकदम सॉफ्ट बना है, बाहर से एकदम क्रिस्पी बन के रेडी हुआ है। तो चलिए हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे चाय और टमाटो सॉस के साथ सर्व किया है, आप ग्रीन चटनी या सब्जी के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हो और बच्चों को लंच बॉक्स में दे दीजिएगा, बहुत पसंद करेंगे और आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। टिल देन बाय।